सर सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर आपको, आपकी टीम ने, आपकी शो ने काफ़ी बेहतरीन किया शो में, क्या कहना चाहिए, रियलिटी शो में, और मैंने देखा आपने भी काफ़ी बहुत मस्ती की शो में। हाँ, बहुत मज़ा आया करते हुए। रियलिटी शो था जब शुरू हुआ तो हमें पता नहीं था क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। म्यूज़िकल बेस था, हमें तो पहले लगा कुछ अंताक्षरी टाइप शो होगा, और पर एक बार शुरू हुआ तो बहुत मज़ा आया। कम्पिटिटिव भी था, दोस्त भी बने बहुत सारे, और मस्ती भी की है जैसे आपने कहा, मज़ा आया। ओके, अगर हम बात करें सॉन्ग की, आप लोगों ने कुमार सानू सर आए थे, कुछ अगर आप बता सके कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुमार सानू सर आए थे, कुछ बताना चाहेंगे? कुमार सानू साहब जो थे उस एपिसोड में मैं नहीं था, मगर जो सीरियल में आए थे, जब हमारे ये रिश्ता क्या कहलाता है उस सीरियल में आए थे, तो उस टाइम उनके साथ मुलाकात हुई थी, पूरे दिन शूटिंग की थी, हमारे सब जो पसंदीदा गाने हैं उनसे गवाए थे, बिकॉज़ यू नो वी आर ह्यूज, एवरीवन इज अ ह्यूज कुमार सानू। हर्षद और प्रणाली की भी केमिस्ट्री वहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी शो में, तो ऑलरेडी है, तो क्या कहना चाहोगे उसको लेकर सर? बस ये कहना चाहूँगा कि दे बोथ आर सो सच लवली ह्यूमन बींग्स, सच वंडरफुल एक्टर्स, एंड दे रियली वर्क हार्ड, और इतने दिल से उन्होंने ये रियलिटी शो भी किया, इतने लवली मोमेंट्स दिए हैं हम सबको, मतलब हम जो सेट पे भी होते थे बिल्कुल टच्ड होते थे, मूव्ड होते थे उनकी केमिस्ट्री से, उनके इंटरेक्शन से, तो आई एम श्योर के आप जो ऑडियंस है उस पर कितना असर। सर आपकी जो पावरफुल डायलॉग्स होते हैं शो के अंदर, आप हमेशा से एक ऑरा बहुत बेहतरीन करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी आप जब डायलॉग कहते हैं, इट लुक वेरी जेन्युइन एंड इट लुक मास्टरमाइंड, लाइक एक थिएटर का कैरेक्टर, थिएटर में जो होते हैं आर्टिस्ट उसी तरह का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी, एंड आई कैन ओनली से बिग थैंक यू, आई कैन ओनली से कि आई विल कीप working hard, acting, नाम है acting, but actually it is being the character, ना तो कितना उसको internalize कर सकते हैं character को, dialogues को, ताकि dialogues seem नहीं हो, it's always जो effortless होता है उस पर hard work तो करना पड़ता है। और आने वाले दिनों में क्या upcoming to which चाह सकते हैं? बस यही बता सकता हूँ कि जितना पहले साल में हर्षवर्धन बिरला ने अक्षरा और अभिमन्यु को दूर रखा था, अब उतना ही उन दोनों को पास लेकर आएंगे, करीब आ जाएंगे, करीब बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।